जज्बा हो तो शौक को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रहने वाले गोपाल कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव इसी वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। इन दिनों वह अपने घर के आंगन में रखे हेलीकॉप्टर की वजह से सुर्खियों में है। शहर में उनका घर मिनी पर्यटन स्थल है जहाँ बच्चों की भीड़ खूब उमड़ती है। देखिए ये रिपोर्ट। यह शहर के गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव की आंगन में रखा ये हेलीकॉप्टर उन्हें गिफ्ट में मिला है। यह हेलीकॉप्टर कभी सेना की आन बान शान हुआ करता था। कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव को यह हेलीकॉप्टर उन्हें एक दोस्त ने गिफ्ट की है जो सेना का स्क्रैप खरीदते हैं। दतिया शहर स्थित कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव के आंगन में लगे इस हेलीकॉप्टर को देखने शहर भर के लोग आते हैं। खासकर बच्चों को तो इसे देखने में ज्यादा दिलचस्पी है। यह हेलीकॉप्टर 32 सीटर है। इसमें बैठकर बच्चे न सिर्फ तस्वीरें खिंचवाते हैं बल्कि यहां आकर वो पिकनिक भी सेलिब्रेट करते हैं। कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव ने पत्रिका से बात करते हुए कहा कि उन्हें यह हेलीकॉप्टर उनके दोस्त ने गिफ्ट की है। वहीं कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव का कहना है कि हमारे मेमोंटी जैन आगरा में सेना के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है और वो स्क्रैप खरीदते हैं। मोंटी जैन ने स्क्रैप के रूप में ही ये पुराना हेलीकॉप्टर खरीदा था और मुझे उपहार के रूप में दे दिया। कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव को जब ये हेलीकॉप्टर मिला था तो सिर्फ एक कबाड़ था। इन्होंने इसे दतिया लाया, फिर हेलीकॉप्टर के अंदर रंग रोगन करवा कर उसके अंदर पंखे लगवाए और नई सीटें लगवाई। कृष्ण गोपाल ने बताया कि हेलीकॉप्टर की ये सिर्फ बॉडी है, इसमें इंजन नहीं है। दरअसल कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव में माधवराव सिंधिया के द्वारा दिल्ली में आयोजित कराए गए एक कार्यक्रम में 150 सीटर वाले 550 क्विंटल के बोइंग 737 विमान को दांतों से खींचा था। इसके बाद माधवराव सिंधिया ने 1992 में इन्हें संसद में बुलाकर वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया था। इसके अलावा श्रीवास्तव को 2013 में तीनों सेनाओं ने लद्दाख में बुलाकर सम्मानित किया था। अब उन्होंने जो हेलीकॉप्टर अपने घर में आंगन में रखा है उसमें बच्चे बैठकर खेलते हैं, साथ ही खूब मस्ती भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।